वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम 14 चैप्टर के सेकंड टॉपिक और थर्ड टॉपिक को लेंगे। अपने पास सेकंड टॉपिक है मोड, और मोड का फार्मूला है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन एफ जीरो एफ टू इंटू एच। एल का मतलब यहां पर है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, जो हम मॉडल क्लास लेंगे। अब मॉडल क्लास कौन सा होगा? जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो आपका मॉडल क्लास है। उस मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होगी वो आपका एल होगा, ठीक है। उस मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी आपकी एफ वन होगी, जस्ट उसके बिफोर यानी ऊपर वाली वो एफ जीरो होगी, और जस्ट उसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो एफ टू होगी। और जो मॉडल क्लास हमने लिया है उसका जो डिफरेंस है वो क्या होगा? एच होगा, ठीक है। तो इसमें इजी वे में है, हमें क्वेश्चन में केवल क्या ढूंढना है, सबसे पहले कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते ही हमें मॉडल क्लास मिल जाएगा। मॉडल क्लास में दो लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट। फर्स्ट वाली लोअर लिमिट है, सेकेंड वाली अपर लिमिट है, ठीक है। तो लोअर लिमिट मिल गई, उसके बाद में जो हमने मॉडल क्लास ढूंढा है, जो हमने मॉडल क्लास लिया है उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो एफ वन है, और जस्ट उसके बिफोर यानी ऊपर वाली एफ जीरो, आफ्टर यानी बाद वाली एफ, नीचे वाली जो है एफ टू। और जो मॉडल क्लास हमने लिया उसका जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका एच हो जाएगा। सारी वैल्यूज आपकी आ गई तो इसमें हम पुट कर देंगे। तो ये अपना है मोड का फॉर्मूला। उसके बाद में अपना सेकेंड टॉपिक होगा मीडियन। मीडियन में वही होगा, सबसे पहले हमें मीडियन क्लास लेनी है। मीडियन क्लास की लो लिमिट एल होगी। मीडियन के लिए हमें सीएफ निकालनी पड़ेगी यानी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हमारा मॉडल क्लास क्या है, ठीक है। एन का मतलब है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जितनी भी फ्रीक्वेंसी दे रखी है उनका हम टोटल कर लेंगे। वो टोटल जो होगा वो एन होगा, एन को हम टू से डिवाइड करेंगे, ठीक है, हाफ हो गया उसका। उस हाफ को जो नंबर आया है उस नंबर को हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि जस्ट उससे ग्रेटर या वही नंबर कौन सा है। वो जहां कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा उसका जो क्लास इंटरवल आ रहा है वो आपका होगा मीडियन क्लास। और उस मीडियन क्लास की आपके पास जो लोअर लिमिट होगी वो होगी एल, ठीक है। जो मॉडल क्लास लिया है उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी एफ होगी, एन अपॉन टू आपका हो गया सी एफ। जो मॉडल क्लास आपने लिया है जस्ट बिफोर, उससे पहले वाली जो सी एफ है वो ये सी एफ है, और हाइट वही होती है जो आपने मीडियन क्लास लिया है। उस मीडियन क्लास का जो डिफरेंस है वो आपका क्या है? हाइट है। अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन एग्जांपल लेकर के और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले मोड का, क्योंकि मोड एक ही तरीके का है, दूसरे का नहीं है, इसलिए हम 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एज गिवन है इन ईयर्स, ये आपकी क्लास है, ठीक है। ये है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, और 55 से 65, ठीक है। फिर इसके बाद में है नंबर ऑफ पैसेंजर यानी फ्रीक्वेंसी एफ, यह आपको गिवन है कितनी, 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5, ठीक है। मैंने आपको बताया सबसे पहले हमें फाइंड करना है मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का मतलब है आपको इस फ्रीक्वेंसी में यह देखना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 23, और 23 की क्लास क्या आ रही है, 35 टू 45। तो यह आपकी मॉडल क्लास हो गई 35 टू 45, ठीक है। अब ये मॉडल क्लास है, इसमें दो लिमिट दे रखी है, ये है लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। तो एल आपके पास हो गया 35,
ठीक है। इसके बाद में F1, मैंने आपको बताया कि F1 क्या है, कि जो आपने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ली है ये आपकी F1 है, इसके जस्ट ऊपर वाली F0 और उसके बाद में F2। तो F1 आपके पास है 23, F0 आपके पास है 21, F2 आपके पास है 14। अब हाइट H, इसका डिफरेंस कितने का रहा है, 10 का, तो ये आपका 10 हो, ठीक है। मॉड जब भी आपको फाइंड करना है आपको क्या देखना है, सबसे पहले कि ये जो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, इस फ्रीक्वेंसी में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो आपका F1 होगी, जस्ट उसके ऊपर वाली F0 और उसके नीचे वाली F2, ये कंटिन्यू आ गया F0 F1 F2। और जो आपने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ली है उसकी जो क्लास है तो वो आपकी क्या होगी, मॉडल क्लास होगी, ठीक है। अब आपका ये फार्मूला मोड का, मोड इज इक्वल टू क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए L की वैल्यू आ गई 35 प्लस F1 23 माइनस F0 21 अपॉन 2 इंटू F1 2 इंटू 23 माइनस F0 21 माइनस F2 14 इंटू H 10, ठीक है। अब 35 प्लस 23 में से 21 माइनस की तो 2, ये हो गया 46 माइनस 35 इंटू 10 इक्वल 35 प्लस 10 को 20 से 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20, ये माइनस करेंगे तो अपने पास क्या रह गया, 11, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि 46 में से हमने 35 माइनस किया तो हमारे पास क्या रह गया, 11 रह गया, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं 20 को 11 से, 11 वन जा 11 आपके पास रह गया 9.90, 11 एट जा 88, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 35 प्लस 1.8 यानी 36.8, ये आपका आंसर। तो मोड निकालना, मोड फाइंड करना इज वेरी इजी, ठीक है। हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, हमें केवल फ्रीक्वेंसी पे ध्यान देना है कि जिसकी ग्रेटर फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर फ्रीक्वेंसी का क्लास जो होगा वो हमारा मॉडल क्लास होगा, उसकी लोअर लिमिट एल हो जाएगी। ग्रेटर फ्रीक्वेंसी को हम F1 लिखेंगे, जस्ट उसके ऊपर वाला F0 और नीचे वाला F2, और हाइट जो है वो मॉडल क्लास का डिफरेंस होगा। फिर आप फार्मूले में पुट कर दीजिए, आपके पास मॉडल यानी मोड जो आप फाइंड करना है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी एज का, एज ग्रुप का जो मोड है वो कितना है, 36.8 है, तो ये आपकी 14.2। सारे क्वेश्चन ऐसे ही है तो आपको 14.2 कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हम क्वेश्चन लेते हैं किसके, मीडियन के। मीडियन में क्वेश्चन अलग अलग है तो हम दो तीन क्वेश्चन लेकर के और इसको कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज को, ठीक है। आपको हर तरह के क्वेश्चन में इसमें दिखाता हूं। हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं पहले, नॉर्मल वे वाला 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको क्लास दे रखी है, देखो क्लास जो अपने पास है वो क्या है, 65 टू 85, 85 टू 105, ठीक है, 105 टू 125, 125 टू 145, 145 टू 165, 165 टू 185 एंड 185 टू 205। और इसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 4, 5, 13, 20, 14, 8 एंड 4। देखो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें CF निकालना है, कम्युनेटिव फ्रीक्वेंसी। CF के बिना आपकी मीडियन नहीं निकलेगी, ठीक है। CF क्या है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ असेंडिंग ऑर्डर,
यानी इसमें फर्स्ट नंबर जो आपके पास है वो एसे का ऐसा आ जाएगा। सेकंड नंबर के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, फोर एंड फाइव तो कितने हो गए नाइन। थर्ड नंबर के लिए इन दोनों को प्लस करेंगे, नाइन एंड थर्टीन ट्वेंटी टू। फोर्थ नंबर के लिए इन दोनों को प्लस करेंगे तो 42, फिर इनको प्लस करेंगे तो ये आपके पास हो गया 56, इसको प्लस किया आपने तो ये आपके पास हो गया 64, और इसको प्लस करेंगे तो आप ये आ गया 68। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास n, n इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा f, यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब CF जो आपने निकाली है उस CF का लास्ट डिजिट, ये आपका सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यानी 68। तो फर्स्ट हमें फाइंड करना है n अपॉन 2, यानी 68 अपॉन 2, ये आपके पास कितना आया 34। अब इस 34 को आपको CF में फाइंड करना है कि CF में कहां मिलेगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि 34 से जस्ट ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो देखो 34, ये 22 है, ये 42 है, तो 34 से जस्ट ग्रेटर तो आपके पास क्या है 42, तो ये आपकी सीएफ हुई। इसको अगर हम देखते हैं तो ये आपकी क्या हो गई, मीडियन क्लास। तो सबसे पहले हमने ली मीडियन क्लास, मीडियन क्लास अपने पास क्या हो गई 125 से 145। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारी सीएफ इसमें आ रही है, 22 में तो 34 आ नहीं सकता तो 42 में आ रहा है, और 42 की क्लास क्या है 125 टू 145। इसका मतलब हमारे पास जो मीडियम क्लास है वो 125 से 145 होगी। इसका मतलब और समझा देता हूं मैं आपको, इसका मतलब ये है कि आपका जो आंसर आएगा वो इन दोनों के बीच में आना चाहिए। ठीक है, यानी 125 से लेस देन नहीं हो सकता और 145 से ग्रेटर नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना, यही मोड में है। तो ये आपकी क्या होगी, लोअर लिमिट, यानी एल आपके पास आ गई 125, एन अपॉन टू ये आपके पास आ चुका है 34। ठीक है, अब हमें चाहिए सीएफ। सीएफ का मतलब क्या है कि ये जो आपने सीएफ ली है जस्ट स्टेप बिफोर वाली, ये वाली, ये आपकी सीएफ है जस्ट बिफोर। तो सीएफ हमारे पास क्या आ गई 22। अब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो आपने ये सीएफ लिया तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 20, तो फ्रीक्वेंसी होगी 20। और फिर चाहिए अपने को एच, एच यानी इन दोनों का डिफरेंस हाइट, तो ये आपके पास आ गया 20। ठीक है, समझ गए। फिर देखिए एक बार, सबसे पहले हमें जो फ्रीक्वेंसी गिवन है हम उस फ्रीक्वेंसी की सीएफ निकालेंगे। सीएफ कैसे, फर्स्ट डिजिट ऐसे कैसे गया, फिर वन बाय वन एड करते जाएंगे, फाइव में 4 एड किया 9 आ गया, 9 में 13 एड किया 22 आ गया, 22 में नेक्स्ट डिजिट 20 एड किया 42, 42 में नेक्स्ट डिजिट 14 एड किया 56, 56 में नेक्स्ट डिजिट 64 और 64 में नेक्स्ट डिजिट 68। ठीक है, ये जो लास्ट डिजिट आपके पास आया है 68, ये इस फ्रीक्वेंसी का क्या है, सम है। तो आप इसका सम करके देखोगे, इसका जो सम आ रहा है वो ये आना चाहिए। अगर आप इसका सम करते हो और ये आपका सही नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने ये जो सीएफ ली है ये आपकी रॉन्ग आ रही है, यानी आपने कहीं एडिशन में मिस्टेक कर दी। ठीक है, तो ये जो फिर निकालना है एन, एन यानी सिग्मा एफ, इसका सम जो हमने निकाला कितना है 68, इसका हाफ करेंगे एन अपॉन टू तो ये अपने पास आ गया 34। इस 34 को हमें सीएफ में देखना है कि वो कहां हो सकता है, तो 22 में तो हो नहीं सकता, तो किस में होगा 42 में, क्यों, क्योंकि यहां पर कहां से कहां तक है 23 से लेकर के 42 तक है, तो इसके बीच में 34 आता है, तो यहां पर ये आपके पास क्या आ गया 34 आ गया। एक ये 34 जब इसमें आया तो इसकी क्लास क्या है 125 से 145, इसका मतलब ये आपकी मीडियन क्लास हो गई, और इसकी लोअर लिमिट आपकी एल हो गई, एन अपॉन टू आपके पास आ गया। सीएफ मैंने आपको बताया कि जो सीएफ आप ले रहे हो उसके जस्ट बिफोर वाली सीएफ, यानी उससे पहले वाली, उससे पहले वाली क्या है 22, तो सीएफ 22 हो गया। फ्रीक्वेंसी जो आपने मीडियम क्लास लिया है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हमने मीडियम क्लास क्या लिया है 125 से 145, और इसकी मीडियम क्लास क्या रही है 20, तो एफ आपके पास 20 होगी, और एच यानी हाइट, हाइट क्या होती है मीडियम क्लास का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस आपके पास 20 आ रहा है। अब आपको मीडियम निकालनी है, उसका फार्मूला क्या होता है, एल प्लस
एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। देखो एल कितना है 125 प्लस एन अपॉन टू कितना आया 34 माइनस सी एफ 22 अपॉन एफ 20 हाइट 20। ठीक है तो 125 प्लस इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 12 अपॉन 20 इंटू 20, यहाँ 20 से 20 कैंसिल हो गए तो 125 प्लस 12 यानी 137। ये आपकी इसकी क्या हो गई मीडियन हो गई। ठीक है तो नॉर्मल वे में आपको मीडियन निकालनी है तो इस तरह से आपको मीडियन निकालनी है। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। ठीक है अब नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर सेकंड जिसमें हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ये सेकंड टाइप क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकेंड क्वेश्चन इसमें हमें देखो क्लास दे रखी है क्लास अपने पास है 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 और 50 से 60। ठीक है फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी हमें जो गिवन है वो क्या है 5 फिर एक्स फिर 20 फिर 15 फिर वाई और फिर 5 और इसका टोटल हमें दे रखा है टोटल हमें गिवन है 60। ठीक है चलिए मीडियन फाइंड करना है यानी सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए सी एफ। हम सी एफ निकालेंगे फर्स्ट डिजिट 5 ऐसे कैसे आ गया फिर इसको ऐड किया तो 5 प्लस एक्स इसको ऐड करेंगे तो 5 प्लस 20 25 प्लस एक्स फिर इसको ऐड करेंगे तो 25 प्लस 15 40 प्लस एक्स फिर इसको ऐड करेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस y और फिर इसको ऐड करेंगे तो 40 प्लस 5 45 प्लस x प्लस y। ठीक है n हमें गिवन है कितना n इज इक्वल टू क्या होता है n इज इक्वल टू सिग्मा f यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी वो हमें कितना गिवन है 60 तो हम n अपॉन 2 निकालते हैं यानी 60 अपॉन 2 इज इक्वल टू 30। अब हम इसमें 30 नहीं देख सकते कि हमारे पास 30 किस में है क्यों क्योंकि हमें x की वैल्यू पता नहीं है कि x की वैल्यू क्या है तो 30 किस में आएगा किस में नहीं आएगा तो हम मीडियन क्लास कैसे ढूंढे तो हमें मीडियन गिवन है मीडियन हमें गिवन है कितनी मीडियन इज 28.5। ठीक है मैंने अभी आपको बताया था पहले क्वेश्चन में कि जो मीडियन आती है वो क्या आती है कि जो हमने मीडियन क्लास ली है उनके बीच का नंबर आता है तो 28.5 किसके बीच का है 20 से 30 के बीच का है। ठीक है इस मीडियन के अनुसार इसके बीच में आएगा तो ये आपकी मीडियन क्लास हो गई। फिर अगर मीडियन गिवन है तो मीडियन क्लास निकालने का तरीका ये है कि जो मीडियन है वो किस क्लास में आ सकती है क्योंकि 28.5 इसी में आएगा ना इसमें आ सकता है ना इसमें ना इसमें इसमें तो इसको हम मीडियन क्लास ही होगी तो अपने पास एन एल कितना हो गया 20 एन अपॉन 2 वो अपने पास कितना है 30 है। अब फ्रीक्वेंसी अब हमारी मीडियन क्लास क्या है 20 से 30 तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 20 तो फ्रीक्वेंसी आ गई अपने पास 20 फिर सी एफ। ठीक है हमने मीडियन क्लास ये ली है तो मीडियन क्लास की सी एफ ये हुई तो इसके जस्ट बिफोर वाली सी एफ कौन सी है 5 प्लस एक्स तो सी एफ होगी 5 प्लस एक्स और एच एच इन दोनों का डिफरेंस 10। ठीक है अब देखो मीडियन
मीडियन इक्वल क्या होता है, एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। मीडियन हमें दे रखी है 28.5, एल हमारे पास है 20 प्लस एन अपॉन टू है 30 माइनस सी एफ कितनी है 5 प्लस एक्स, तो ब्रेकिट में लिखेंगे, अपॉन एफ कितनी है 20 इंटू 10। ठीक है, ये जीरो से आपकी जीरो कैंसिल हो गई, ये 20 इधर आ जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, 28.5 माइनस 20 इज इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे तो 30 माइनस 5 प्लस माइनस एक्स अपॉन टू, इसको माइनस किया तो कितना बचा अपने पास 8.5 इज इक्वल टू, यहां माइनस करेंगे तो 25 माइनस एक्स अपॉन टू, अपॉन वन करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, एक्स इधर ले लो 17 उधर ले जाओ, तो एक्स इज इक्वल टू हो गया 25 माइनस 17, तो एक्स इज इक्वल टू आ गया 8, हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 8। अब हमें वैल्यू निकालनी है वाई की, तो हमारे पास इसका लास्ट टोटल क्या रहा है 45 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसका जो लास्ट टोटल आएगा, लास्ट फिगर जो आ रहा है वो हमेशा इसका टोटल होगा, इसका टोटल कितना दे रखा है 60। ठीक है, इसका मतलब 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 हो गया, अब 45 तो है ही, एक्स की वैल्यू 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 60, अभी हो गया 53 प्लस वाई इज इक्वल टू 60 और y इज इक्वल टू आपके पास आ गया 7, ये आपके पास x और y की वैल्यू आ गई, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था। ठीक है, तो हमें फर्स्ट तो क्या करना है, मीडियन के बारे में तो बात आती है, तो फर्स्ट हमें सी एफ निकालनी है, और अगर आपको मीडियन पहले से गिवन है तो ये देखना है कि ये मीडियन इस क्लास में किस में आएगी, वो आपका मीडियन क्लास होगा, तो ये 28.5 हमारे पास किस में आ रहा था 20 से 30 में, तो ये मीडियन क्लास हो गया, इससे एल आ गई, एन अपॉन टू, एन हमें पहले से ही दे रखा है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 60, तो एन अपॉन टू हो गया 30, फिर फ्रीक्वेंसी ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, मीडियन क्लास की सॉरी, तो मीडियन क्लास हमारे पास 20 से 30 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 20 है, तो एफ 20 आ गया, सी एफ जो हमने मीडियन क्लास ली है जस्ट उसके ऊपर वाली सी एफ, तो हमने मीडियन क्लास ली इसकी सी एफ क्या है 25 प्लस एक्स, और इसके जस्ट ऊपर वाली, ठीक है, बिफोर वो कौन सी है 5 प्लस एक्स और h, इन दोनों का डिफरेंस हमने इसमें पुट किया, x आ गया, इसके बाद में हमारे पास क्या है कि ये 45 प्लस x प्लस y ये किसके इक्वल है 60 के इक्वल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सम और ये सम इक्वल होता है, तो हमने यहां पुट करके और y की वैल्यू निकाली, तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड। ठीक है, अलग टाइप का क्वेश्चन था ये आपके पास। अब नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, हम देते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसके बाद में सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है, थर्ड क्वेश्चन है अपने पास, इसमें हमें गिवन है एज, एज हमें गिवन है, देखो इसमें क्लास ना देकर के लिखा हुआ है बिलो, बिलो 20 एंड बिलो 25, फिर बिलो 35, फिर बिलो 40, बिलो 45, 50 कहाँ तक है, 60 तक है, बिलो 55 और फिर बिलो 60। ठीक है, इसके बाद में मैं दे रखा है नंबर ऑफ पॉलिसी, और ये जो नंबर ऑफ पॉलिसी आपको गिवन है, देखो नंबर ऑफ पॉलिसी
ये जो आपको गिवन है इसको आप देखोगे तो ये 42, 43, 35, 40, 45, 50, 55 और 60, ये है टोटल 92, 98 और 100। अब ये देखो नंबर ऑफ पॉलिसी जो हमें गिवन है ये असेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में, इसका मतलब ये आपके पास CF है, हमें फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन, CF गिवन है लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है। तो हम फर्स्ट तो क्या करते हैं इसको वापस बनाते हैं क्वेश्चन को, पहले तो बनाते हैं क्लास, क्योंकि हमारे पास क्लास भी नहीं है। क्लास में हमें कहा गया बिलो 20 यानी 20 से कम, और ये जो डिफरेंस हमें दे रखा है, ये जो डिफरेंस है वो हमारे पास है 5 का डिफरेंस। अब बिलो 20 का मतलब 5 का डिफरेंस है, तो आप 20 से पहले वाले वो 0 से भी हो सकता है, और 5 का डिफरेंस लेंगे तो 5 कम करके भी ले सकते हैं, ठीक है, यानी 0, 20, फिर 5 का डिफरेंस लेंगे तो 20 से 25, फिर 25 से 30, 5 का डिफरेंस ले लो 30 से 35, फिर 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60, ये आपकी क्लास बन गई। अब हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी। तो देखो CF जब हम निकाल रहे थे तब हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि माइनस करते हुए जाएंगे, पहला नंबर किसी में से माइनस नहीं होता, तो ये 2, अब 6 में से हम ये 2 माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 4। ऐसे 24 में से हम क्या माइनस करेंगे, 6, ऊपर यानी नीचे वाले डिजिट में से आपको क्या करते जाना है, ऊपर वाले डिजिट माइनस करते हुए जाना है। तो 24 में से 6 आपके पास गया तो कितना बचा, 18, फिर इसमें से 24 माइनस करेंगे तो ये 21, इसमें से 45 माइनस करेंगे आप तो ये आपके पास हो गया 33, इसमें से 78 माइनस करोगे तो ये आपके पास हो गया 11, इसमें से 89 माइनस करोगे तो ये आपके पास हो गया 3, इसमें से 92 माइनस करोगे तो ये हो गया 6, इसमें से 98 माइनस करोगे तो ये हो गया 2। ये आपकी बन गई क्या फ्रीक्वेंसी, और CF आपकी ये है जो आप आगे लिख लीजिए। अब CF तो हमें पहले से ही गिवन है, 2, 24, 6, 24, 45 ऐड करेंगे तो 78, 89, 92, 98 और 100, ठीक है। यानी हमें N जो गिवन है सिग्मा F वो कितनी आ रही है, 100 आ रही है। यानी इन CF का हम सब F का अगर हम सम करते हैं तो वो सम कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो N अपॉन 2 कितना आया, 100 अपॉन 2, यानी 50। अब हम इस CF में देखेंगे 50 कहाँ आएगा, 78 में, और 78 की आपके पास क्लास क्या आ रही है, 35 से 40, तो मीडियन क्लास आपकी क्या हो गई, मीडियन क्लास वो हो गई 35 से 40, यानी L आपके पास हो गया 35, लोअर लिमिट N अपॉन 2 वो आपके पास है 50, फिर फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 33, फिर CF जस्ट इसके ऊपर वाली कितनी है 45, और फिर H, इनका डिफरेंस कितने का रहा है, 5, ठीक है।
ये आपकी हो गई, ये फ्रीक्वेंसी आपके पास हो गई, ठीक है। अब आपको इसको क्या करना है, सोल्व करना है। चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला लगा लीजिए, एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल कितना है 35, एन अपॉन टू 50, माइनस सी एफ 45, एफ 33 इंटू 5, ठीक है। तो 35 प्लस माइनस करेंगे तो 5 अपॉन 33 इंटू 5, यानी 35 प्लस 25 अपॉन 33, ठीक है। अब हम 25 को क्या करेंगे, 33 से डिवाइड करेंगे, 25 डिवाइड बाई 33 नहीं जाएगा, 0.10 लगा ली हमने तो ये 7 टाइम चला गया, 21 और 23 अपने पास कितने रह गए 19, फिर 0 लगाया 190 तो ये लगभग 6 टाइम चला जाएगा, तो ये आ गया 35 प्लस 0.76, तो आपकी मीडियन आ गई 35.76, ये आपका आंसर हो। तो ये आपका एक अलग टाइप का क्वेश्चन और था, तो 3 टाइप्स के क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन आपको मीडियन के फार्मूले से इसी तरह करने हैं, और 14.2 में आपको मोड के फार्मूले से करने हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। थैंक यू।